अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का विद वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत डिलीशियस बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। साथ में मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला लिया है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में लिया सिरका, 4 टेबल स्पून मैंने लिया दही, और वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च लिया और प्याज लिया, इसको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया। तो आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में डाल लेंगे दही को, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सब स्पाइसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और टिक्का मसाला। इन सबको डाल लेंगे, देन हम उसके अंदर डालेंगे सिरका। सिरका अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो सिरका मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और इसको मैं सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब स्पाइसेस डाल सकते हैं, जितने आपको पसंद है, कम या ज़्यादा, आप उसी तरीके से उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर लूँगी। सारा चिकन हम इसके अंदर डाल लेंगे, साथ में इसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर लेंगे, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले इस पर अच्छे से लगा लूँगी मिक्स करके, और देन मैं आपको फिर दिखाती हूँ मिक्स करके। अच्छा जी, तो सारे मसाले मैंने अच्छे से चिकन पे लगा दिए, अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 1/2 आवर के लिए। तो मैरिनेशन के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब हम चिकन के पीसेस लेंगे और इसको बैम्बू स्टिक्स पर लगाएँगे। 4 पीसेस मैं लगाऊंगी चिकन के, या 4 या 3 पीसेस लगाऊंगी। पहले चिकन लगाऊंगी, देन शिमला मिर्च, देन प्याज और फिर चिकन का पीस लगाऊंगी। इसी तरह मैं सारे लगा लूंगी। एक स्टिक पे चिकन के मैं एटलीस्ट 3 या 4 पीसेस लगाऊंगी। तो इसी तरह मैं सारे बना के देन आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो स्टिक्स पे मैंने सारे चिकन के पीसेस लगा दिए हैं, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, हाई फ्लेम पे ऑयल को मैंने रखा है, अच्छे से उसको गरम कर लेना। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे फुल फ्लेम पे। आपने पहले 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, देन फ्लेम स्लो करके आपने इसको अच्छे से पका लेना। तो इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप लोग इसे ट्राई भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।